हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द लर्न फॉरवर्ड। और आज हमारा जो पाठ है हिंदी पाठमाला, आपकी जो बुक है हिंदी पाठमाला, उससे हम जो पाठ करने जा रहे हैं, उससे जो हम लेसन करने जा रहे हैं, जी हाँ, चैप्टर 6 पाठ 6, जिसका नाम है, जिसका शीर्षक है पौधों का जीवन। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम पौधों के बारे में, कि पौधे हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। रात के 9 बजे थे। बिजली ना होने के कारण सब आंगन में बैठे थे। अचानक काजल क्यारी की बेल को पकड़कर हिलाने लगी। माँ ने मना किया, बेटी नहीं, इस समय पौधों को नहीं छेड़ना चाहिए, पौधे सो गए हैं। बच्चों, ये पौधे जो होते हैं ये हमारी रक्षा करते हैं, ये हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं, और इनके विभिन्न भाग जो होते हैं वो भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो इस पाठ में हम देखेंगे अभी। और पौधे सो गए हैं, पौधे भी कहीं सोते हैं, काजल बोली और डाली को हिलाती ही रही। हाँ बेटी, पौधे भी हमारी तरह सोते और जागते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। हाँ, अब तुम बेल को हिलाना बंद करो, पिताजी बोले। पंकज भी अपने पिता की बात सुन रहा था। उसे उनकी बात बहुत ही रुचिकर लगी। वह उठकर पिता के पलंग पर आ बैठा। कैसे पिताजी, पौधे कैसे खाते पीते सोते और जागते हैं, उसने पूछा। हाँ, बताइए ना। काजल भी डाल को हिलाना छोड़कर पिता के पास चली आई। पिताजी बोले, बताने लगे, पहले सभी लोग ये समझते थे कि पौधे निर्जीव होते हैं। निर्जीव मतलब उनके अंदर जान नहीं होती है, किंतु बाद में वैज्ञानिक प्रयोगों से ये सिद्ध हुआ कि पौधों में भी जीवन है। वो भी खाते हैं, वो भी सांस लेते हैं। काजल, तुम गुलाब के पौधे में से सुंदर गुलाब तोड़ लेती हो, तुम्हें इसमें मजा आता है, किंतु तुम्हारी इस शैतानी से वह गुलाब का फूल बेचारा तो मर जाता है। तुम देखोगी थोड़ी देर बाद ही वह मुरझा जाता है, उसकी पंखुड़ियां भी गिरने लगती हैं। जानती हो क्यों? जब वह डाली पर होता है तो उसे भोजन मिलता है, डाली से अलग होकर गुलाब को भोजन नहीं मिल पाता, और वह क्या होता है, वह निर्जीव हो जाता है। यानी कि जब वो डाली पर होता है कोई भी पौधा, तो उसको भोजन मिलता रहता है, तो वह जिंदा रहता है, और डाली से टूटने के बाद थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल डल हो जाता है, निर्जीव हो जाता है, और वो मरने लगता है। पंकज, तुमने तो अपनी विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा था कि पौधे के कितने भाग होते हैं? 6 भाग। जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल और फल। जड़ें पौधों के लिए वही काम करती हैं जो तुम्हारे मुंह के लिए, तुम्हारा मुंह तुम्हारे लिए करता है। वे धरती से खनिज और पानी चूसती हैं और तने की ओर धकेलती हैं। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से गाड़ कर भी रखती हैं। देखो, जड़ों का कितना इंपॉर्टेंट काम होता है। जड़ें जो होती हैं, जो पौधे होते हैं, वो जड़ें मिट्टी के अंदर डालते हैं और मिट्टी को मजबूती से रगड़, मिट्टी में जो है पौधों को मजबूती से रखती हैं, जड़ें जो होती हैं। ठीक है। दोनों बच्चे पिताजी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अच्छा पिताजी, पौधे सांस कैसे लेते हैं? काजल ने पूछा। पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके द्वारा ही पौधे सांस लेते हैं। यदि तुम किसी पौधे को कांच के बर्तन से इस तरह ढक दो कि उसे हवा ना मिले, तो देखोगी कुछ समय बाद वह पौधा मुरझा जाता है। पत्ते ही सूर्य की गर्मी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हरी पत्तों, हरितकों की सहायता से पौधे के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं। पिताजी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या गंदी हवा को कहते हैं? पंकज ने पूछा। तुम ठीक कहते हो, लेकिन पौधों के जीवन के लिए यही आवश्यक है। इस तरह से पौधे हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर उसे हमारे लिए शुद्ध करने का काम भी करते हैं। देखो, पौधे कितना अच्छा काम करते हैं, वो हमारी जो हवा होती है जिसे हम सांस लेते हैं उसे शुद्ध करते हैं, पिताजी बोले। हाँ, बताइए ना। काजल भी डाल को हिलाना छोड़कर पिताजी के पास चली आई। पिताजी बताने लगे, पहले सभी लोग यह समझते पिताजी, तना और शाखाएं पौधे के लिए क्या करते हैं? पंकज ने फिर पूछा। तना और शाखाएं पौधे को आकार प्रकार प्रदान करते हैं, तथा पत्तों द्वारा बनाया भोजन नीचे जड़ों तक और जड़ों द्वारा चूसे गए खनिज और पानी को पत्तों तक पहुंचाते हैं। शाखाएं पत्तों को सूर्य की ओर उन्मुख भी किए रहती हैं। वे समझाने लगे, पत्तों द्वारा बनाया गया भोजन भी जड़ों, शाखाओं, फलों और बीजों के रूप में
एकत्र हो जाता है और इन्हें हम खाते भी हैं। क्या हम जड़ भी खाते हैं? काजल ने हैरानी प्रकट करते हुए कहा, हाँ, चुकंदर, मूली, गाजर, शलगम पौधे की जड़ों का ही रूप है। गन्ना, कमल, ककड़ी पौधे के तने का रूप है। माँ ने बातचीत में भाग लेते हुए कहा, पत्ते तो साग के रूप में खाते ही हैं, जैसे मेथी, पालक, सरसों, चने के पत्ते, चौलाई के पत्ते आदि। बच्चों, आपको भी पता चल रहा है ना, जो हम पत्ते किस रूप में खाते हैं, जो पत्ते होते हैं वो हम पालक, मेथी, चना, चौलाई, ये हम पत्तों के रूप में खाते हैं। और जड़ के रूप में क्या खाते हैं? चुकंदर, मूली, गाजर, शलगम, ये हम जो जड़ होती है, ये जो होती है जड़, इनको हम पौधे के रूप में जो है, ये जड़े जो है पौधे के रूप में होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। और मेथी, पालक जो है ये पत्ते के रूप में कुछ पौधों के फल भी खाए जाते हैं, जैसे कुछ के बीज। बताओ तो कौन से पौधे के फल सब्जी के रूप में खाते हैं? माँ ने पूछा। सवाल सरल था, फिर भी बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाए। देखो, काशी फल तो फल फल तो फल कहलाता ही है। टमाटर, घिया, तोरी, भिंडी भी पौधों के ही फल होते हैं। फल अपने अंदर बीज को समेट कर रखते हैं। पिताजी, आपने ये तो बताया ही नहीं कि बीज किन पौधों के खाते हैं। पंकज बोला, सारी दालें आदि पौधों के बीज ही तो हैं। सरल उदाहरण लेना चाहो तो मटर की फली, लोबिया, सेम, ग्वार की फली का नाम भी तो ले सकते हैं, माँ ने बताया। इतने में बिजली आ गई। माँ उठकर रसोई में घर में चली गई। पिताजी ने समझाया, वनस्पति जगत पर हमारा जीवन निर्भर है। बच्चों, हमारा जो जीवन है वो वनस्पति जगत पर ही निर्भर करता है, किंतु हमें व्यर्थ में फूलों और पौधों को नहीं तोड़ना चाहिए। तुमने देखा है, माली पौधों को अपने बच्चों के समान प्यार करता है, उनकी देखभाल करता है। हमें भी उसकी तरह पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। खाना लग गया है, अब जल्दी से अंदर आकर खा लो, कहीं बिजली फिर से ना चली जाए। माँ की आवाज आई तो बच्चे उठकर कमरे की ओर चल दिए, किंतु दोनों अभी भी पौधों के विषय में सोच रहे थे। तो बच्चों, आपने कितना कुछ जाना पौधों के बारे में, कौन सी जड़ का फल होता है, कौन सा जो होता है बीज का फल होता है, क्या क्या हम क्या क्या खाते हैं, कौन से तने की सब्जी होती है ना। तो अब हम आते हैं शब्द अर्थ पर। रुचिका का अर्थ है पसंद आने वाली, निर्जीव का मतलब बेजान, वैज्ञानिक विज्ञान की खोज करने वाला, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एक बहुत ही दूषित हवा होती है जो नुकसान करती है, हरितक मतलब पौधे के हरे तत्व, ग्रीनिश उन्मुख मतलब मुख ऊपर किए हुए, और वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे। और अब हमसे क्वेश्चंस देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। रात को बेल हिलाने पर माँ ने काजल से क्या कहा? माँ ने बोला काजल से कि मत हिलाओ, क्योंकि पौधे क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। फूल तोड़ने के कुछ देर बाद क्यों मुरझा जाता है? क्योंकि उसको डाली पर से भोजन मिलना बंद हो जाता है। जब तक वो भोजन नहीं मिलता, जब वो डाली पर लगा होता है तो उसको भोजन मिलता रहता है, लेकिन जब वो डाली से तोड़ देंगे तो उसको डाली से भोजन नहीं मिलेगा और वह निर्जीव हो जाता है और थोड़ी देर बाद वो मर जाता है। पेड़ की जड़ें पौधे के लिए क्या काम करती हैं? पेड़ की जड़ें जो है पौधे को, हम उसको मिट्टी में मजबूती से गाड़ देते हैं तो पौधे को मजबूती मजबूती प्रदान करती है। पेड़ की जड़ें जो होती हैं, पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाने का कार्य कौन किसकी सहायता से करता है? पेड़ पौधों को जो होता है खनिज, जड़ें खनिज व पानी जो होता है इसकी सहायता से, पेड़ पौधों के लिए भोजन का कार्य जो होता है वो खनिज, पानी और जो जड़े जो होती हैं, ये जो होती हैं, ये चीजें इनको पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाने का कार्य करती हैं। हमारा जीवन वनस्पति जगत पर कैसे निर्भर है? हमारा पूरा जीवन वनस्पति जगत पर निर्भर है, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम जो है भोजन कर सकते हैं, इन्हीं से ही हमें जो है सब्जियां मिलती हैं, इन्हीं से हमें दालें मिलती हैं। इसलिए हमारा संपूर्ण जीवन जो है पेड़ पौधों पर ही निर्भर करता है, और यही पेड़ पौधे जो होते हैं वो हवा को शुद्ध रखते हैं, जिससे हम सांस ले सकते हैं, शुद्ध हवा में सांस ले सकते हैं।
जो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये जो हवा को शुद्ध करती है, गंदी पेड़ पौधे जो होते हैं ये इसमें से जो ऑक्सीजन जो होती है वो हमारी जो शरीर में जाती है जिससे हम शुद्ध हवा में रह सकते हैं। और जो वनस्पति जगत है, वनस्पति जगत पे हमारा संपूर्ण जीवन निर्भर है, इन्हीं से हमें भोजन मिलता है, इसी से हम खाते हैं, इसी से सब्जियां मिलती है। ये है, ये पौधे का कौन सा भाग है? पत्ता जो है मेथी, पत्ता गोभी, पालक, और फल, फल में जैसे हम लिख सकते हैं काशी फल, काशी फल। तना जो है, तने का कौन सा हो सकता है? तना जो हो सकते हैं हम गन्ना। और क्या हो सकता है? कमल, ककड़ी, ये भी जो है पौधे का तने का भाग है जो कि हम खाते हैं। बीज, बीज बहुत सारे बीज होते हैं, जैसे मटर, ग्वार की फली, दालें, बहुत सारी जो है जिनको हम बीज के रूप में खाते हैं। अब हमें सही और गलत का निशान लगाना है। बिजली ना होने के कारण सब लोग क्या कर रहे थे? खेल रहे थे, बातें कर रहे थे, सो रहे थे या घूम रहे थे? बिजली ना होने के कारण सब लोग बातें कर रहे थे। हाँ, अब तुम बेल को हिलाना बंद करो, ये किसने कहा? पिताजी ने, दादाजी ने, बहन ने या भाई ने? ये कहा था पिताजी ने। पौधे के कितने भाग होते हैं? आठ, दो, छह या पांच? पौधे के छह भाग होते हैं, और ये छह भाग आपको याद करना है कि कौन कौन से छह भाग होते हैं, ठीक? क्योंकि हमारे पाठ में लिखा है। पौधे के तने का रूप, तने का रूप कौन सा है? पौधे के तने का रूप गन्ना है, ठीक? और अब हम चल रहे हैं, इन शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। इन शब्दों को, जैसे कि स्त्रीलिंग जो है बेल है, और क्या है स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग जो है बेल लिखा हुआ है, अब आ जाएगा बेटी, फिर आ जाएगा माँ, फिर आ जाएगा जड़ें, और उसके बाद सब्जी। ये हमारा हो गया स्त्रीलिंग। और पुल्लिंग में है फूल, फिर आ जाएगा पौधा, फिर आ जाएगा पिता, गुलाब, और फिर पत्ते। ये हमारे हो गए स्त्रीलिंग के शब्द, और ये हो गए पुल्लिंग के शब्द। और अब है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए, जैसे कि जहां पढ़ने के लिए पुस्तकें रखी जाती हैं वो क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। प्रतिमास होने वाला यानी कि मंथली, प्रतिमास होने वाले के आगे हम लिख देंगे मासिक। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। जो विज्ञान से संबंधित है वैज्ञानिक। पढ़िए और समझिए, यानी कि हमें ये पढ़ के देखना है, पर तरह सुंदर रुचिकर, यानी कि लास्ट में पर जो है, पर सुंदर रुचिकर। सूर्य यानी कि र की मात्रा, कार्बन, निर्जीव, निर्भर। क्रम, प्रेम, प्रकट, और समुद्र, द्र का। ट्र, ट्रक, ड्रामा, मेट्रो और राष्ट्र। बॉक्स में से सही शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए, जैसे कि काजल का भाई आया है। अब है काजल ने, यहाँ पे क्या आ जाएगा? काजल ने कहानी लिखी। उसने तौलिए अपना शरीर पोछा, उसने तौलिए से, उसने तौलिए से अपना शरीर पोछा। भाई ने बहन उपहार दिया, भाई ने बहन को उपहार दिया। मेज, पुस्तकें रखी हैं, मेज पर पुस्तकें रखी हैं, मेज पर पुस्तकें रखी हैं। और अब है इन पहेलियों को चित्रों की सहायता से बूझिए। आसमान से मैं आ जाती, हरी घास को स्नान कराती, खुली सड़क को नदी बना
खुली सड़क को नदी बनाती, मन किसान का मैं हर्षाती, यानी कि आसमान से आती हूँ, किसान भी खुश हो जाते हैं मुझे देखकर, और सड़क नदी बन जाती है यानी कि वर्षा। जी हाँ, ये है वर्षा। और चार पैर से मेरा नाता, फिर भी चलना मुझे ना आता, दो हाथों को मेरे थाम, बैठो तो कर लो आराम, यानी कि कुर्सी। चार पैर से, एक दो तीन और एक पीछे चार, और दो हाथ, एक ये और एक ये। तो थी ना इंटरेस्टिंग, मजा आया। तो बच्चों, अभी हमने जो पढ़ा था पाठ, हमने पौधों के बारे में जाना था, और अब हम करते हैं एक बहुत अच्छी कहानी, और इस कहानी का शीर्षक है घोड़ा बना गुलाम। तो इसमें क्या बताया गया है बच्चों, इसमें ये बताया गया कि जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, जो दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं, वो स्वयं भी कष्टों में घिर जाते हैं। यानी कि हमें किसी को कष्ट, किसी को नुकसान या किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमने दूसरे को कष्ट दिया था, कहीं हमारे ऊपर भी वो कष्ट ना आए। तो ऐसा ही है इस वाली आज की कहानी में। तो चलिए पढ़ते हैं। बात बहुत पुरानी है, घोड़ा दूसरे जंगली जानवरों की तरह जंगल में रहता था। जंगल में उसे घास चढ़ने की पूरी आजादी थी, मन चाही घास खाता, जहां चाहता वहां चला जाता, उसे किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं था। घास के मैदान में अकेला रहता था। कुछ दिनों बाद वहां पे एक हिरन आ गया। हिरन कुलाचे भरता, मौज मस्ती करता तथा बड़े मजे से घास चरता। उसने घोड़े की तरफ देखा तक नहीं। घोड़ा हिरण से चिढ़ गया। उसने एक दिन हिरण से कहा, तुम ये जंगल छोड़ दो, तुम इस जंगल के लायक नहीं हो, तुम यहाँ के कायदे कानून नहीं जानते, हमेशा उछल कूद करते रहते हो, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हिरन बोला, जनाब, इसमें आपको क्या परेशानी है, मैं घास चरूं या उछलू कूदू, मेरी मर्जी। घोड़ा बोला, बड़े बदतमीज हो, तुमको ये बात करने की तमीज नहीं है, तुम्हारे माँ बाप ने क्या तुम्हें यही सब सिखाया है। हिरन बोला, कैसी तमीज। घोड़े ने कहा, अपने से बड़ों से इज्जत से बात करनी चाहिए, बड़ों की बात मानना है, यही है तमीज। हिरन बोला, क्या आप मुझसे बड़े हैं। घोड़े ने कहा, बेशक, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ। हिरन खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, आपको गलतफहमी है कि उम्र बड़ी होने से आपको कुछ ज्यादा हक है, मैं तो यहीं रहूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। घोड़े ने हिरन की बात सुनी और वह उस समय तो खिसियाकर चुप हो गया, किंतु मन ही मन वह हिरन से बदला लेने की सोचने लगा, कि ये हिरन का बच्चा तो बड़ा ढीठ है, ये सीधी तरह बात नहीं मानेगा, कल इसके साथी भी मैदान में चरेंगे, समय रहते इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। तभी एक आदमी जंगल में लकड़ी काटने आया। घोड़े ने आदमी को देखा तो आवाज लगाई, अरे आदमी भाई, सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें सोने का हिरण दिखाता हूँ, यदि तुम उसे मार दोगे तो तुम माला माल हो जाओगे, फिर तुमको लकड़ी काटने जंगल में नहीं आना पड़ेगा। आदमी चतुर था, उसने सोचा, कहीं सोने के हिरण भी होते हैं, यह मुझे मूर्ख समझ रहा है, लालच दे रहा है। लेकिन घोड़े को देखकर वह विचार करने लगा, यह जानवर सवारी के लिए अच्छा हो सकता है। आदमी बोला, अश्वराज, हिरन बहुत तेज भागता है, मैं भला पैदल चलकर उसे कैसे पकड़ूंगा, पहले मुझे अपनी पीठ पर बैठाओ, तभी तो मैं उसे मार सकूंगा। घोड़ा हिरन से बहुत चिढ़ा हुआ था, इसलिए उसने उस आदमी की बात मान ली, बोला, मैं तैयार हूँ। आदमी ने लकड़ी बांधने की रस्सी ली, घोड़े पर सवार होकर रस्सी से उसके मुंह में लगाम बांध ली। घोड़े ने मना नहीं किया, उसने सोचा, सब सह लूंगा, परंतु हिरण को मजा अवश्य चखाऊंगा। आदमी ने घोड़े को दौड़ाया और हिरण का पीछा किया। हिरण कुलाचे भरता हुआ जंगल में भाग गया। आदमी बोला, घबराओ नहीं, आज हिरण नहीं पकड़ा तो क्या, कल फिर आऊंगा और इसे देखूंगा। आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे यहाँ मजे से रहना और चने खाना। फिर प्रतिदिन वह आदमी घोड़े पर सवार होकर जंगल आता, लकड़ियां इकट्ठी करता, घोड़े पर लादता और स्वयं उस पर बैठकर घर लौट आता। बेचारा घोड़ा इस आशा में, कभी तो हिरन मारा जाएगा, वह रोज आदमी की सवारी बनकर
जंगल में आता। हिरण तो नहीं मारा गया, पर तब से घोड़ा जरूर आदमी का गुलाम बन गया। हिरण तो आज भी आजाद है और बेखटके जंगल में घूमता है, परंतु बदला लेने की भावना का दंड घोड़ा ही भुगत रहा है। तो आपने देखा कि घोड़ा जो था वो हिरण को कष्ट पहुंचाना चाहता था, लेकिन और बदले की भावना से उसने सोचा हिरण मारा जाएगा, लेकिन इस क्या हुआ, इसका उल्टा हो गया। और उसको जो था वो आदमी जो था वही उसको अपनी लकड़ियां जो था उसके ऊपर लेके जाता था, और वो उसका गुलाम बनकर रोज उसके साथ उसके घर जाता, जंगल में जाता, और वो उसका गुलाम बन गया। तो इसीलिए बच्चों, कभी भी किसी को कष्ट पहुंचाने या किसी से बदला लेने की भावना हमारे मन में नहीं आनी चाहिए, हो सकता है इसका उलट हो जाए। तो बच्चों, इसके साथ हमारा ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। बहुत जल्दी मिलते हैं हम नए पाठ के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।